नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। अब बात करते हैं यार आरसीबी के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो उससे पहले पहले हमें बात करनी चाहिए, आप देख सकते हैं उनका पर्स कितना है, उनके ओवरसीज स्लॉट और टोटल स्लॉट कितने हैं। तो सिर्फ 6 स्लॉट है और अराउंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 23-24 करोड़ का बजट है, तो इतना कुछ ज्यादा भी नहीं है। और उनको ज्यादा प्लेयर्स नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत प्लेयर्स रिटेन करे हैं। जो उन्होंने प्लेयर्स जाने दिए मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक करा, और आरसीबी ने ओवरऑल अच्छा टीम बिल्ड कर रही है अब, और ओवरऑल अच्छा कोर अभी भी इनके पास रिमेन है। तो अभी भी अगर आप इनका करेंट स्कोर देखेंगे बहुत अच्छी टीम है, पर आरसीबी को चाहिए क्या, कौन से 5 प्लेयर चाहिए जो इनकी डेस्टिनी बदलेगे, इसके लिए हमें करेंट स्कोर की सबसे पहले स्ट्रेंथ देखना जरूरी है, वीकनेस देखना जरूरी है, और फिर देखना जरूरी है कि कहां इनको इंप्रूव करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, आप हम जाते हैं इनकी करेंट स्ट्रेंथ पे। करेंट स्ट्रेंथ इनकी क्या, टॉप ऑर्डर आपका फैफ, आपके कोहली, आपके मैक्सवेल, आपके पाटीदार, फिर आपके कैमरून ग्रीन। तो बहुत अच्छा कोर है इनका बैटिंग का, टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा कोर है। साथ ही साथ मैं इनका ये भी कहूंगा कि इनके पास पावरफुल ऑलराउंडर्स है जो बॉल को हिट कर सकते हैं। आपके विल जैक्स हो गए, स्पिन बॉलर है, कैमरून ग्रीन हो गए, तो एक अच्छी हिटिंग वाली टीम है यहाँ पे, और मैक्सवेल तो है ही आपके पास। उसी के साथ साथ डेप्थ अच्छी है, जैसे मैं कहूंगा इंडियन कोर इनका बहुत स्ट्रांग है, अच्छी डेप्थ है इनके पास। विल जैक्स आके फैफ की जगह खेल सकते हैं, कैम मैक्सवेल की जगह खेल सकते हैं, तो डेप्थ अच्छी है। तो ये है इनकी करेंट स्ट्रेंथ। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आती है, सबसे पहली बात आपकी आती है बॉलिंग अटैक इतना तगड़ा नहीं आरसीबी का, पेस अटैक तो बिल्कुल भी तगड़ा नहीं आरसीबी का, और ये प्रॉब्लम है। स्पिन अटैक आरसीबी का इनएक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ कोई भी प्रॉपर मैं कहूंगा नंबर 6 बैट्समैन नहीं है। दिनेश कार्तिक को मैं अभी भी आज के टाइम में प्रॉपर 6 नहीं समझता, मुझे लगता है आपको और भी थोड़ा सा मुझे लगता है आरसीबी को बेटर देखना पड़ेगा एक नंबर 6 बैट्समैन। तो यहीं पे मैं आता हूं आरसीबी की मेरी खास स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से 5 प्लेस पे जाना चाहिए। अब आप यहां पे लिस्ट देख सकते हैं जो मैंने आरसीबी का एक प्रोबेबल स्कोर खड़ा करा है। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। अब अगर आपके पास चॉइस है और स्टार्क ना मिले तो मधुशंका भी जाइए, अच्छे बॉलर है स्टार्ट द प्ले में, आपको स्टार्टिंग में पिच में स्विंग होगा, थोड़ी बॉल नहीं होगी, विकेट देंगे, पर मिचेल स्टार्क आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। शायद पूरे सीजन फिट ना रहे, लेकिन उनकी जो डेथ बॉलिंग है ना वो बहुत नेसेसरी होगी आरसीबी की, और वो साथ में आईपीएल का एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं और अराउंड द वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और वो एक ऐसे प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीते हैं, तो उनमें वो क्लियर इंस्टिंक्ट भी है। तो जितना भी पैसा लगे आरसीबी को मेन तो स्टार्क पे लगाना चाहिए क्योंकि टॉपली है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा टॉपली मेरे लिए स्टार्टर नहीं है। आप स्टार्क के साथ जाइए और टॉपली को बैकअप रखिए, तो स्टार्क तो मेन है। उसी के साथ साथ मैं कहूंगा डैरल मिचेल एक ऐसी चॉइस होगी, मुझे लगता है इतनी सारी टीम्स नहीं लेने वाली तो आपका ज्यादा बजट नहीं खर्च होगा, और डैरल मिचेल बहुत अच्छे बैट्समैन बैकअप बन सकते हैं जहां पे कभी अगर विराट ना फिट हो, कभी इवन आपके मैक्सवेल ना फिट हो, कभी आपको इवन नंबर 4 बैट्समैन चाहिए जैसे पाटीदार इंजर्ड हो गए, तो किसी एक ओवरसीज को ड्रॉप करके आप मिचेल को ला सकते हैं। कभी कैमरून ग्रीन ना फिट हो तो मिचेल एक बहुत अच्छी स्कोर की चॉइस हो सकती है आपके लिए रखने के लिए। इसी के साथ में आता हूं ओमर जाई आपके मीडियम फास्ट बॉलर है जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी दिखाया उनका टैलेंट, और T20 में हमने उनका देखा ही है। वो हिट्स भी लगा सकती है, वो आपको बैटिंग की डेप्थ भी दे सकते हैं अगर आपकी टीम के प्लेयर्स जल्दी आउट हो गए, साथ साथ आपको थोड़ी विकेट भी निकाल सकते हैं अगर कोई और बॉलर नहीं चल रहा, तो एक अच्छी चीप चॉइस होगी टू कीप इन द स्कोर। फिर मैं जाऊंगा शाहरुख खान और कार्तिक त्यागी। शाहरुख खान बन सकते हैं इनके प्रॉपर नंबर 6 बैट्समैन, एक अच्छे हिटर ऑफ द बॉल है, साथ ही साथ ऑफ स्पिन अगर कभी चाहिए हो तो दे देंगे, पर एक बहुत अच्छे हिटर ऑफ द बॉल है। अगर आरसीबी चिन्नास्वामी में खेल रही है और आपको हिटिंग चाहिए, मेरे को लगता है दिनेश कार्तिक से पहले आके ये बेटर हिटिंग करके देंगे, और शाहरुख खान एक गेम चेंजर हो सकते हैं। किंग्स 11 ने इनको बैक नहीं करा, वो सेम बैकिंग नहीं दी, मुझे लगता है आरसीबी वो चीज कर सकती है, और हम शाहरुख खान का बेस्ट आरसीबी की चिन्नास्वामी की सीरीज की पिचेस पे देख सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने मैच वहां पे होगी इलेक्शन, या इंडिया में जो हमारे देश में जो भी इलेक्शन है उसके चक्कर में आईपीएल अगर शिफ्ट हो तो हमें ये नहीं पता कि कितने मैचेस होंगे, पर अभी मैं मान के चल रहा हूं कि पूरा आईपीएल इंडिया में होगा। और साथ ही साथ कार्तिक त्यागी एक बहुत अंडररेटेड बॉलर, सनराइजर्स तो यार जिस भी प्लेयर को लेती है चांस नहीं देती और खत्म ही कर देती है, पर कार्तिक त्यागी एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंडियन प्लेयर थे, अच्छी बॉलिंग कराते थे, अच्छी पेस बॉलिंग कराते थे और आपको विकेट देते थे। मुझे अभी भी लगता है कार्तिक त्यागी में फ्यूचर है, और आपके पास ऑलरेडी मिचेल स्टार्क होगा, आपके पास ऑलरेडी एक मैं कहूंगा अच्छी कोर है टीम की, तो व्हाई नॉट गो एटलीस्ट विद मिचेल स्टार्क। आपके पास मोहम्मद सिराज है, आपके पास मिचेल स्टार्क है, तो सिराज और स्टार्क से आप बॉलिंग ओपन करवा सकते हैं, फिर कार्तिक त्यागी को मिडिल ओवर में लेके आ सकते हैं, फिर एंड में आके आप स्टार्क से ओवर करवा सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छा पेस अटैक होगा, सिराज का एक्सपीरियंस, स्टार्क की डोमिनेंस, कार्तिक त्यागी का मैं कहूंगा इनएक्सपीरियंस भी लेकिन वो एबिलिटी जिससे कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा लेकिन उनमें एबिलिटी है,
फिर आपके पास आपके करण शर्मा होंगे, आपके पास मैक्सवेल की ऑफ स्पिन होगी, कैमरून ग्रीन आपको आपके बीच में बॉलिंग दे देते हैं, अगर आप चाहे तो कभी मयंक डागर को खिला सकते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो आरसीबी के पास एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कोर हो जाएगी टीम का, जिसे वो बिल्ड कर सकते हैं, अच्छे बैकअप्स, अच्छी टीम, अच्छा एक्सपीरियंस। तो ये मेरे लिए बेस्ट 5 प्लेयर्स होंगे जो आरसीबी साइन कर सकती है अपना ये सीजन बदलने के लिए और बहुत अच्छा सीजन बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।